राम जी कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आज आप शोर बहुत हो रहा है और मम्मी के पास आज मैं नहीं गई हूँ। साइड हमेशा जाते थे हम, लेकिन तबीयत भी मेरी इसी तरह की होती है। पानी में भीजने का डर लगता है, कभी और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। सॉरी मम्मी, बस इसलिए नहीं। इस बार तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी था मम्मी के पास, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ इसी वजह से। और आंखें भी मेरे सर दर्द की वजह से सूजन आ रखी है। तो बस सुबह से अभी काम तो सुबह से ही चल रहा है और पसीने पसीने हो रहे हैं किचन में। आप सबसे यहाँ आके बात कर रही हूँ, क्या काम हो रहा है वो सब आप सबके साथ शेयर करेंगे। और बस होली वोली तो कोई नहीं खेल रहा, बाहर तो पूरा शोर हो रहा था। मतलब तब से है ना, मैंने वीडियो इसलिए भी स्टार्ट नहीं किया था, आपसे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि है ना म्यूजिक बज रहा है, सुबह से भजन चल रहे हैं सबके यहाँ। अभी बंद हुआ है तो टाइम क्या हो रहा है जिसमें 10:30। 10:30 बजे तक है ना मैंने क्या काम किया वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जो मेहनत का ज़्यादा काम है वो फ्री हो चुका है, बाकी अब रह रहा है दाल मखनी बनानी है मुझे आज। और दाल मखनी जिस जो भी हमारे पास सामान है उबाल लिए मैंने, दाल मखनी रात भिगो के रख दी थी। और एक मुझे स्पेशल डिश बनानी है, स्पेशल डिश आप सबको ज़रूर देखनी है और ट्राई भी करनी है। और मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, दही पकौड़ी मैंने बनाई है। और ये पानी पकौड़ी और कांजीवाड़ा, कई तरह का नाम है, सब अलग अलग बोलते हैं। कांजीवाड़ा अलग होता है, उसमें इमली नहीं होती, और ये पानी की पकौड़ी है। तो आप सबके साथ शेयर करूँगी और वही आप सब देखना और वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। और अगर रेसिपी आप सबको पसंद आए तो शेयर कर देना। देखिए बन चुके हैं मेरे चावल और ये देखिए, और यहाँ पे मैंने टमाटर के पीस के इसमें डाल दिए हैं। और ये मेरी चटनी बन चुकी है। और ये इमली का रब्बे, मतलब इमली ये भीगी हुई रखी है, अभी इसे भी छानूंगी। मतलब ये वो ही है जो मैंने छानी है, अभी पूरी नहीं छानी है। ये मेरा बेसन, इसमें नॉर्मली जिस तरह से अच्छी तरह से बस फैटा है, बाकी सब वो ही है जो पकौड़ियों में होता है। और यहाँ पे बगैर ये अदरक कुटी हुई रखी है, आज बगैर लहसुन प्याज की बनाऊंगी। क्या क्या बनाऊंगी, दाल मखनी। तो आप सभी देखो बेसन भी वाइट वाइट आ रहा है, इसमें पता नहीं क्यों कलर आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ये सब चल रहा है और आप सबके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। ये बन चुकी है मेरी दाल मखनी और खाती हूँ इस तरह की दाल की साबुत दाल मखनी के लिए। और इसमें थोड़े डाले थे मैंने रात को, जब भिगोए थे तभी राजमा। और अब शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बना रही थी मैं दाल मखनी जैसे कि मैंने बताया, और ये कह रहे थे, और मैं दाल मखनी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी खा लूँ ना उड़द की दाल तो मेरे ना पैरों में दिक्कत हो जाती है, हाथ में मतलब पूरी बॉडी में मुझे पेन शुरू हो जाता है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, और लेकिन मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को और इन्हें पसंद है, तो इनकी फैमिली को पसंद है, तो हम तो कैसे भी खा लेते हैं। हमने भी अपने लिए स्पेशल रेसिपी क्या बनाया था कुछ, तो पहली बार बनाया था, अच्छा बना था, आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो इनके लिए मैंने बना दी थी दाल मखनी और मुझे छोले, हर बार मैं छोले या राजमा बनाती थी, आज के दिन फिर ये कह रहे थे कि दाल मखनी बना दो, तो दाल मखनी बना दी थी मैं। तो मुझे तो चने छोड़ दी दाल, वो भी इन सबको बहुत पसंद है, दाल मखनी से ज़्यादा वो ही, मैं तो वही उसी तरह से बना देती हूँ दाल मखनी की तरह, तो वो भी अच्छे लगते। तो मैं टमाटर डाल दिए हैं, वैसे बस क्या डालना था, तेज़पत्ता तो मैंने सब दाल उबाली तभी डाल दिया था, अब बस हींग डाली थी और जीरा डाला था तेल में, और फिर टमाटर मैंने और अदरक डाली थी पीस के, मतलब कूट के, और लहसुन प्याज इसमें नहीं डाला था मैंने। और बस फिर मसाला डाल देंगे और बन गई हमारी दाल मखनी, और फिर दाल डाल देंगे। और दाल अच्छे से अपने आप ही घुट गई थी, अच्छे से बन गई थी बस कुछ भूनने के बाद, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस कैमरा बंद ही ओपन ही रखा था, तो कैमरा बीच बीच में मैं थोड़ी देर के लिए बंद भी कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने बीच में बंद कर दिया था और अच्छे से मसाला पका लिया था, मतलब अच्छे से भून लिया था। और अभी है ना पंखे की भी आवाज़ आएगी, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ पंखा बंद करना, और गर्म रात के बज रहे हैं 11:30, तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैंने सोचा शोर नहीं होगा क्योंकि आज
डैग वगैरह भी चल रहे थे, लेकिन अभी भी बाहर डॉगी भी भौंक रहे हैं और पंखा भी चल रहा है, तो आप सबको शोर आएगी उसके लिए सॉरी। और बस दाल डाल दी थी मैंने, टमाटर मैंने इसलिए ज़्यादा डाले ना, तो मेरे पास क्या कश्मीरी लाल मिर्च थी, उससे भी कलर अच्छा आ जाता है। मेरे पास कुछ भी ऐसा मसाला तो मैं आप सबको बताया, सिर्फ मसाले में हमारे धनिया होता है और पनीर का रखती हूँ मैं, पनीर कभी बने तो पनीर का रखती हूँ, दाल का भी इस तरह का कोई मसाला नहीं रखती हूँ, यूँ ही सब अच्छा खा लेते हैं। तो इन सब के लिए बनाया था चाय, और शाम को भी बच गई थी दाल, मेरे से थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी क्योंकि मुझे ही तो नहीं खाना, ये तो चावल के साथ ही सब खाना था। तो बस फिर बच्चे भी फिर दिन में ये भी होता है ना कि कभी कोई आ जाए तो एक्स्ट्रा ही बननी चाहिए, बच बेसन चाहिए, कम ना होनी चाहिए। तो बस उसी के साथ साथ फिर मैं सब कुछ तैयार कर रही थी, गर्म पानी कर दूंगी मैं थोड़ा इसमें डालने के लिए क्योंकि अभी गाढ़ी है, तो मैंने रख दिया था, मैंने डोल में रख दिया था गर्म पानी, इस दाल का भी पानी मैंने आप सबने देखा। इस दाल में डाल दिया है मैंने पानी जैसे कि आप सबने देखा, और इसे बनने दूंगी मैं 10-15 मिनट, जब तक ये अच्छे से चलाती रहूंगी ये घुट जाए। और आज मैंने ऐसे ही घोटना है इसे, और इसके बाद शुरू करते हैं स्पेशल रेसिपी। फ्रेश मलाई जो है फैट लिए दाल में डालने के लिए, ये मैंने खुला बर्तन लिया है और इसमें डालेंगे पानी और स्पेशल। आज हम भी पहली बार बनाएंगे, खा के बताएंगे, अगर हमें अच्छी लगी तो हम आप सबके बताएंगे भी कैसी लगी। सॉरी 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 पानी। तो इसमें अभी एक मिनट चम्मच ले इकट्ठे, और लहसुन प्याज किसी में भी नहीं है, ये मिर्च, इसमें जीरा भी था पीसा था मैंने, और धनिया पुदीना और हरी मिर्च, ठीक है जी, ये इसमें डाल लिया है मैंने। और इसमें और क्या डालना है, ये है इमली का कर्ब जो इमली में से निकाला है मैंने, ठीक है जी। और इसमें डालेंगे, आपके पास पिसा हुआ जीरा है वो भी डाल सकते हो, तो मैं डालूंगी चाट मसाला। और चाट मसाला डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा, अगर बर्फ का पानी है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और थोड़ी सी डालूंगी इसमें चीनी, थोड़ी सी, बाद में डालूंगी बर्फ का पानी। ओ भाई, ओ भाई, सुन 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 सुन, देख 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 देख, बना बना बना, ससुरे बाहर मैं ही तो ये खा रही थी, ये क्या मेरे पास खाने में भी गिर गया। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीता रहे, खुश रहे, भगवान बनाए, हैप्पी होली। चल खाना खा, बैठ बहुत बढ़िया लग रहे हो, बैठो आराम से, मैं बना के ला रही हूँ, जाना नहीं है कहीं भी। सोच रहा था आज होली नहीं खेलूंगा, यही है, यही है। लो जी, होगी हैप्पी होली। ये देखिए यहाँ पे दाल भी हमारी हो चुकी है, इसमें डाल देते हैं मलाई। ये देखिए बटर डालना आपको डाल दो, लेकिन हम सिंपल से लोग हैं, हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये डाल दिया, और डेकोरेशन के लिए भी अगर आप चाहो तो यही कर सकते हो, पर हमें डेकोरेट किसके लिए करना है, कोई गेस्ट तो आना नहीं है, सब घर के ही बन रहे हैं। और ज़्यादा मलाई डाल दी मैंने क्योंकि बच्चों को पसंद है, और कई चीज़ इकट्ठी हो रही हैं। गए क्या बच्चे? हाँ।
मैं तो एकदम डर गई, मैं फोन है। और अभी ये थे सॉरी कार्तिक भाई बोल रहा हूँ, मैं तो पहचान में भी ना आए, ये मेरे भी दक्ष भाई पहचान नहीं आए मुझे, क्योंकि कलर चेंज हो गया है मलाई डालने के बाद, तो मलाई हमारे यहाँ ज्यादा ही पसंद करते हैं, तो दिखावा क्या करना, जो हमें चीज अच्छी लग रही है जिस चीज से, तो ये चलाते रहेंगे इधर भी। स्टार्टिंग में जैसे ही दक्ष भाई आए थे उन्हें पता ही नहीं चला था कलर गिर जाएगा, ये देखो ठीक है जी आते हैं, कलर बहुत पक्का है, ये देखिए छुटाया है तो छुट नहीं रहा। अब मैं पहले इनके लिए खाने का बना देती हूँ, बाद में। अब मैं गया, दाल मखनी हमारी बन के हो गई है तैयार, ये कर देते हैं बंद, और चावल भी बन गए हैं। चावल देखो ये साथ के साथ धोती रहूं बर्तन जब जाके, ये चावल भी बन चुके हैं हमारे, और अब करते हैं ये बनाने की तैयारी, और बाद में भैया आज मुंह बहुत बड़ी मुश्किल से खुलेगा मेरा, पता नहीं मैंने चीनी डाली या नहीं, जब डाली मुझे नहीं पता, ठीक है जी देखते हैं। हाँ तो ये मैंने बना दिए पकौड़ियाँ, सिंपल वो ही मतलब फैटना अच्छे से, मेरा तो शायद गड़बड़ हो गया आज मामला, बच्चों के लिए जल्दी बना रही हूँ, बच्चे आए हुए हैं, नहीं तो कुछ और भी इसमें है ना, सोडा भी डलता है, लेकिन मेरे पास नहीं था और ना मैंने डाला, आप चाहो नहीं सोडा डालना, अगर आपके पास जलजीरा हो तो वो भी डाल सकते हो। इधर फिर मैं इसमें और कुछ डाल देती हूँ, ये डाल देती हूँ मैं, और इसमें है ना प्याज भी कट करके वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, पहले लड्डू के लिए निकलेगी, ये है धनिया पत्ती और ये है पुदीना की पत्ती, ठीक है जी, और इसमें जाएगा भी ठंडा पानी, ये मैंने हो गया, और ये कहाँ जाएगी देखो भाई, शोर मच गया है, वॉइस ओवर करूँगी, ऊपर बजने लग गए हैं गाने, ये ठीक है जी, पानी में डाल लेंगे, ये मैंने ना पानी इसमें ना हाफ दे दिया बेसन का था, तो ये इस तरह से और मैंने अच्छे से चला लिया था ये पानी, अभी ये कुछ टाइम मैंने भिगो कर रखी था, अभी ताजी है ये, जब इसके अंदर आ जाएगा ना इसका वो बढ़िया बन गया, बढ़िया बन गया, मैं चल मैं बाद में खा के देखूंगी, लेट दस मिनट हेलो खा के तो बता क्या है, तू खा के दे है के पानी की पकौड़ी कैसा लग रहा है, पकौड़ी कुछ टाइम अब तो मैं जल्दी हो रही है, अभी डाली है ना, अभी देती हूँ मैं ये, और ये इस तरह से बनी है, ये देखिए पानी भी जबरदस्त है, अभी है ना इसमें अभी ताजी है इसलिए पकौड़ी का टेस्ट आ रहा है उसके अंदर, जब कुछ टाइम के लिए मतलब घंटे आध घंटे के लिए कुछ तो शाम को डाल देते हैं सुबह खाते हैं, तो अभी मैं इसे ढक के रख दूंगी, ये पकौड़ियों का ये बुला रही हैं बार बार, और देखते हैं मुझे तो बिल्कुल भी ना ये छूटने में आ रहा है, पूरा कलर हो गया है, मैं अपनी नाक बंद कर दी क्योंकि मुझे चढ़ रही है, मुझे गुलाल भी चढ़ रहा है, बुरे हालत हो रही है मेरी, अब नहीं जाऊंगी, खेल नहीं रही थी मैं तो, खेल ही नहीं बिल्कुल, मैंने किसी को भी तिलक नहीं लगाया, मुझे चढ़ रहा है ये मेरे दिमाग को चढ़ रहा है। तुम्हारे फोन का फायदा क्या हुआ, फोन जेब में रख लिया, भाभी का हो गया टीका लग गया है, टीका ही लगाना था और सबको टीका लगा दिया है, बच्चे तो खेल रहे हैं, बच्चे तो खेलेंगे भाभी,